सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात करेंगे, जहां तालिबान के काबुल पर कब्जे ने यूरोप को हिलाकर रख दिया है। छुट्टियों पर गए अमरीकी सदर जो बाइडन भी सिक्योरिटी टीम से मुसलसल राबते में हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का कहना है कि सदर बाइडन जल्द कौम से खिताब करेंगे। अफगानिस्तान पर अक्वामी मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ। इजलास के बाद अक्वामी मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अहम मामले पर हमें बोलने का मौका ना देना अफसोसनाक है, जबकि अफगान मसले के मुज़ाकराती हल के लिए हम अफगान हुकूमत और तालिबान से राबते में हैं। उम्मीद है ख़वातीन भी नई अफगान हुकूमत का हिस्सा होंगी। मुनीर अकरम का कहना था कि काबुल में फंसे गैर मुल्कियों को निकालने के लिए भी तआवुन कर रहे हैं। Of Afghanistan from addressing the council, the representative of a now defunct regime was invited to speak to the council. Pakistan has been a victim of decades of conflict in Afghanistan, and we desire peace and stability in our neighborhood. The world knows of the sacrifices that we have made. Pakistan has called upon all Afghan parties, including the Taliban, to ensure the preservation of law and order in Kabul and elsewhere. Our immediate priority should be aimed at the maintenance of law and order. अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी फैल गई। सैकड़ों अफगान शहरियों ने मुल्क से निकलने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। हवाई अड्डे पर तैनात अमरीकी एहलकारों की फायरिंग से कम अज़ कम 7 अफगान शहरी जांबहक हो गए। कुछ ने तैयारों से लटक कर फरार होने की कोशिश की लेकिन मौत से जा मिले। अफरा तफरी फैलने के बाद काबुल एयरपोर्ट को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से जर्मन सफी डॉक्टर बर्नहार्ड स्टीफन शागिक ने मुलाकात की है। मुलाकात में रुकने कौमी असम्बली सालिक हुसैन, फर्स्ट सेक्रेटरी क्रिश्चियन बुचर भी शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, खसूसन अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान पर अमन अफगानिस्तान के हक में है, अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान समेत पूरे खत्ते में अमन होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ बाहमी दोस्ताना और तजारती ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी हमनसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हमनसब को अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीकी हमनसब एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इस रबते में दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, ज़ेशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ेशान बताइएगा इस रबते के हवाले से। तो जी बिल्कुल, देखिए जो अफगानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है, इसी तनाजुर में यह टेलीफोनिक रब्ता हुआ है अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से, और दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में तेजी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जबकि शाह महमूद कुरैशी ने इस टेलीफोनिक रबते के दौरान अफगानिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान का नुक्ता नजर है उस हवाले से आगाह किया, और यही कहना था वज़ीर ख़ारजा का कि अफगान मसले के सियासी और बातचीत के जरिए हल पर ही पाकिस्तान जोर देता है और ये समझता है कि बातचीत के जरिए ही इस मसले को हल किया जा सकता है। जबकि अफगानिस्तान में गुज्तर दो दिनों से जो बैन अवी तंजीमों के नुमाइंदों का इनखला है और जो सफारतकार हैं मुख्तलिफ स्थानों के, उनकी वहां से निकालने में मदद के हवाले से पाकिस्तान से भी आगाह किया है। जी। बहुत शुक्रिया ज़ेशान अपडेट करने के लिए। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने बतौर एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज हलफ उठाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अहमद अली शेख ने सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खतूत में कहा है कि वो आज होने वाली हलफ बरदारी की तकरीब में शरीक नहीं होंगे। उन्होंने मौकफ अख्तियार किया कि वो 3 खतूत के जरिए बतौर एडहॉक जज तैनाती से इनकार कर चुके हैं। इसके बावजूद नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि गैर कानूनी है। दूसरी तरफ सिंध बार कौंसिल समेत मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने आज मुकम्मल अदालती बायकॉट का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने बतौर एडहॉक सुप्रीम कोर्ट जज हलफ उठाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अहमद अली शेख ने सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खतूत में कहा कि वो आज होने वाली हलफ बरदारी की तकरीब में शरीक नहीं होंगे।
नौ मंतखब रुकन पंजाब असम्बली एहसन सलीम बरियार को वज़ीर आला पंजाब का मौवन खसूसी तायुनात कर दिया गया। एहसन सलीम बरियार सियालकोट से ज़िमनी इलेक्शन जीत कर रुकन असम्बली मुंतखब हुए। महकमा एस एन जी ए डी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नौ मंतखब रुकन पंजाब असम्बली एहसन सलीम बरियार को वज़ीर आला पंजाब का मौवन खसूसी तायुनात कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। हुकाम का कहना है कि सानोवैक एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन खत्म हो चुकी, स्टॉक पहुंचने में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। किफायत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, शहरियों को दूसरी डोज के लिए मुश्किलात का सामना। हुकाम के मुताबिक एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर और खालिक दिना हॉल सेंटर में कुछ वैक्सीन की अभी किल्लत है, मजीद खुराक के इंतजाम की कोशिश कर रहे हैं। खालिक दिना हॉल सेंटर के सरबरा डॉक्टर फरहत अब्बास ने कहा कि उनके पास साइनोवैक एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन की डोजेज की कमी है, नई खेप पहुँचने में 4 से 5 रोज लग सकते हैं। जो शॉर्टेज जो चल रही है ना, मतलब जिस तरह बल्क क्वांटिटी में पहले बार हमारे पास आती थी मॉडर्ना साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की, वाकई थोड़ी सी स्टोर पे शार्टेज है और उसको बड़ा हम स्लो चला रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए, ताकि जिसकी दूसरी डोज है वो मिस ना हो। लेकिन ये शिपमेंट है, शिपमेंट आने में टाइम लगता है, 5-6 दिन का गैप हमेशा ही आ जाता है। शहरियों की बड़ी तादाद साइनोवैक वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुकी है। खुराक की कमी के बाद शहरियों को दूसरी डोज के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का ऐसा चल रहा है कि वैक्सीन तो आप लगवाएं, उसके बगैर आपको कहीं भी अलाव भी नहीं करते, आना जाना हर जगह आपका कार्ड पूछते हैं। पहले डोज तो मुझे साइनोवैक लगा एक्चुअली, और उसके बाद मैं मुतमिन था तो इसलिए साइनोवैक ही लगा। बाकी लोगों से भी जो पता चला उनसे भी यही पता चला कि साइनोवैक सही है। असल में कन्फ्यूजन है लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पर ही काम हो रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में सबसे ज़्यादा मुतासर अजला में ज़िला शर्की और वस्ती शामिल हैं। जस्टिस काजी फाजिसा ने खवातीन की विरासती जायदाद में हक से मुतालिक गुलाम कासिम बनाम रजिया बेगम केस में अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अदालतों की तरफ से बार बार निशानदेही के बावजूद खवातीन के विरासती हकूक से मुतालिक ठोस इकदामात ना करना अफसोसनाक है। महज चंद वसाइल रखने वाली खवातीन ही विरासती जायदाद के हकूक के लिए अदालतों से रुजू कर पाती हैं। अदालतों के जरिए वसाइल और वक्त ज़ाया करके इंसाफ लेने के बजाय रियासत को खवातीन के विरासती हकूक का खुद तहफ़ करना चाहिए। फैसले में कहा गया है कि महकमे माल में बदनवानी साथ साथ निजाम भी कमजोर के साथ इस्तेहसाल करता है। खवातीन को उनके विरासती जायदाद से महरूम रखना दरअसल इनको मौशी खुदमुख्तारी से महरूम रखना है।